सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री है। आज जो अपना 5वां बजट पेश किया उन्होंने, आपको बता देती है कि बजट जब 2019 में पेश किया गया था उस वक्त 27.86 लाख करोड़ रुपए का बजट था। उसके बाद साल 2020 में 34.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उसके बाद अगले साल 2021 में 37.7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और साल 2022 में 39.44 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। और इस साल 2023 की जब हम बात करें तो बजट 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां पर पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, और इसमें मध्यम वर्ग को राहत दी गई है जैसा कि उम्मीद भी लगाई जा रही थी उनकी तरफ से। कई सामान है जो महंगे हुए हैं, सस्ते भी हुए हैं, और सबसे बड़ी राहत टैक्स स्लैब में दी गई है जिसकी अब सालाना आय 7 लाख रुपए में भी आपको कोई भी टैक्स यहां पर अदा नहीं करना होगा। ये एक बड़ी राहत दी गई है इस बार का बजट 2023 का 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. तो बजट पेश होने के बाद से इस पर रिएक्शन भी सामने आने लगे। सत्ता पक्ष ने बजट को बेहतर और समावेशी बताया। हम लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। तो ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। मेरा मानना है कि बहुत ही बेहतरीन बजट है। स्पेशली जो ये स्लैब 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख किया गया, कॉमन आदमी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक हिस्टोरिक मूव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जनता को और कॉमन आदमी को बहुत बेनिफिट और बहुत लाभ है। मेरा मानना है कि जब आप कॉमन मैन को रिलीफ देते हैं, जिस तरीके से पिछले 2 साल से मिडिल क्लास ने सफ़र किया है कोविड के बाद, तो एक हिस्टोरिकल मूव है और हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा, महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूँ कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। न्यू एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंटरिंग द मिडिल क्लास एंड दिस इनकम टैक्स रिबेट फ्रॉम 5 लाख to 7 लाख रुपीज इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ यंग पीपल, स्पेशली हु आर एंटरिंग द जॉब मार्केट, द सैलरीड मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड इट इज ऑल्सो, इफ यू ऑल्सो लुक एट द बजट ओवरऑल, इट इज फोकस्ड अ लॉट ऑन वेल्थ क्रिएशन and impetus to a lot of futuristic technology, whether it is the Center for Excellence for AI or the 5G test labs or the importance for fintech. बजट पर सत्ता पक्ष को आपने सुन लिया। एक और जहां सत्ता पक्ष बजट में भारत का बेहतर भविष्य देख रहा है, तो विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है। नहीं, एक्चुअली हम हर बार देखते थे, लेकिन चूंकि हमारा दौरा पहले से तय था इसलिए हम देख नहीं पाए। हमको तो लौटेंगे तब हम एक एक चीज को देखेंगे, तभी तो हम इसमें घूम रहे हैं, नहीं तो हम हर बार सुनते ही थे। ये मेरी शुरू से आदत है, जब से हम एमपी थे तो अंदर रहते थे, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ रहे कोई भी सरकार थी हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of MNREGA. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that, and I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things, but there are still some fundamental questions that remain to be answered. चुनावी बजट है, जो भी बातें कही गई हैं वो आने वाले 3 सालों में कही गई हैं, और मगर आज की बात करें जो हालत है देश की, जहाँ महंगाई है, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ खाद के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो किसानों को लेके इस बजट में कुछ भी नहीं कहा। जहाँ खाद के लिए सब्सिडी देनी चाहिए थी, सरकार को बढ़ानी चाहिए थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। युवाओं के रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। असली भारत बचता है गाँव में, और अगर आप गाँव में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि युवाओं की आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि जो सरकार का वित्तीय घाटा है वो अभी भी 17-18 लाख करोड़ पे है। इसका मतलब सरकार मार्केट में जाके कर्ज लेगी और जो निजी क्षेत्र है उसको उतना ही एक्सेस उस पैसे का बंद होगा, और इसलिए जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए उस तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। और इसका ये मतलब है कि जो मूलभूत ढांचा है, जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं, उस पे इकोनॉमी में वीकनेस है। तो बजट पर विपक्ष को आपने सुना। बजट पर विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी राय दी और एक सुर में इसे लोक लुभावन बताया है। जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस की हम समझते थे कि शायद हमको डबल इंजन की सरकार कुछ देगी, कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। किसानों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई कार्य नहीं किया गया है। महंगाई कैसे कम होगी इस पर कोई बात नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी इस पर कोई बात नहीं है। बजट जो पेश हुआ है ये नौजवानों को, किसानों को निराश करने वाला बजट है। ये निराशाजनक बजट है। इसमें महंगाई कम करने की कोई बात नहीं हुई। सरकार आई, सरकार ने कहा महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन लगातार 9 साल में महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। हर आदमी, परिवार का आदमी परेशान है कि महंगाई हमको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और रोजगार का कोई प्रबंधन नहीं है। ये बजट चंद उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए ये बजट है, गरीब के पेट में लात मारने वाला बजट है। पूरे के पूरे जो 8 साल पहले जो बजट आए हैं, जो लगातार इन्होंने 8 बजट रखे हैं, उन सारे बजटों में बहुत बड़ा साग बाग दिखाया गया। महंगाई कम करने की बात हुई, रोजगार देने की बात हुई। क्या आप बताइए महंगाई कम हो गई? क्या रोजगार मिल गए लोगों को? क्या रोजगार सृजित इन्होंने करने का काम किया? इन्होंने पूरी की पूरी सरकार में अगर कुछ किया है तो अपने दोस्तों को, कुछ चंद उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया। कुछ बातें जरूर सराहनीय। पहली बात तो ये कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बातें आज कही हैं वो बहुत लंबी बातें हुई हैं। चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके स्टैमिना की या उनके होमवर्क की, उनके रिसर्च की, लेकिन उसका परिणाम जो आया है वो दिख रहा है। वो परिणाम ये दिख रहा है कि महिलाओं के लिए, मिडिल वर्ग क्लास के लिए भी, सिवाय टैक्स एग्जम्पशन की सीमा जो बढ़ा दी गई है 5 से 7 लाख किया गया, उसके अलावा जो है बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, डीजल और पेट्रोल के प्राइस पर कुछ नहीं किया गया। देश के ऊपर इतना कर्ज है, उस कर्ज को हटाने की या कर्ज खत्म करने की या कर्ज को मिटाने की कोई सामने पॉलिसी लेकर सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, ऐसा बहुत लोग चौंक गए कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो था उसको बहुत कम कर दिया गया। कम किया गया, किन कारणों से किया गया, किसके लिए किया गया, उनकी भाषा में हमारे मित्र लोग, कुछ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, कहीं उनके लिए नहीं किया गया। तो विपक्ष इस बजट को लोक लुभावन बता रहा है, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बजट को लोक कल्याणकारी बताया। काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को गरीबों का हित का बताया और कहा कि इस बजट में नए भारत का संकल्प दिखाई देता है। यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है, इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहाँ मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आपने सुना। इधर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इस बजट को अद्भुत बताया। जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह भारत का सबसे बढ़िया बजट है। बजट में अनाज से लेकर रोजगार तक की बात की गई है। यह बजट भारत को काफी आगे लेकर जाएगा। भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यति वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के गर्वपूर्वक यह कह सकता हूँ, इतना साहसिक, इतना विजनरी और सभी वर्गों का, चाहे उसमें हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भवनहीन हो, चाहे इंफ्रा से संबंधित मामला हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आत्मनिर्भर भारत से, मतलब किसी भी क्षेत्र का नज़र डालेंगे, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया, हर क्षेत्र में यह बजट भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। धन्यवाद। वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी बजट पर अपनी बात रखी है। ये बजट चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो और हर प्रकार का, चाहे एमएसएमई वाला हो, चाहे सर्विस क्लास हो, सभी लोगों का बजट में ध्यान रखा गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सूक्ति को फिर से एक बार चरितार्थ किया है कि सबका साथ सबका विकास। और जो बजट आज निर्मला जी ने संसद में पेश किया वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें आम आदमी का ध्यान रखा गया है। जो इनकम ग्रुप है जिस पर टैक्स ज़ीरो है वो 5 लाख से 7 लाख तक सीमा की गई और उस पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हुए 7.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।